एवरीवन, आई एम शिखा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी एलिगेंस का डेवलपमेंट। सी एलिगेंस की डेवलपमेंट में हम मेन जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो वल्वा डेवलपमेंट से आते हैं। सो आज हम कवर करेंगे वल्वा डेवलपमेंट। सी एलिगेंस, सी एलिगेंस राउंड वॉर्म्स है, फ्री लिविंग है, सॉइल नेमाटोड है एंड हर्मेफ्रोडाइट है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। सी एलिगेंस में जो स्पर्म्स होते हैं वो विदाउट एक्रोसोम होते हैं और फ्लैजेला टेल होते हैं। मींस उनके स्पर्म्स एमीबॉइड स्पर्म्स होते हैं बिकॉज उनमें ना तो एक्रोसोम है ना ही टेल है। सो उनकी जो शेप हुई वो कैसी हुई? अमीबा के तरह। सो वो एमीबॉइड स्पर्म होते हैं। सी एलिगेंस में जो मिड वेंट्रल पोजिशन है वहां वल्वा प्रेजेंट होता है। जो मिड वेंट्रल पोजिशन है वहां वल्वा प्रेजेंट होता है, वहां वल्वा से ही एग लेइंग होती है एंड कॉपुलेशन भी होता है। एंड सी एलिगेंस का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। प्राइमरी ओसाइट स्टेज में इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है बिफोर फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन होने से पहले प्राइमरी ओसाइट स्टेट में ही इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो ये हमारा सी एलिगेंस का ओसाइट है। सी एलिगेंस के ओसाइट में पी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। पी ग्रैन्यूल्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है एंड अब तक कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई है। पोलैरिटी मीन्स ना तो एंटीरियर पोस्टीरियर अभी एक्सेस डेवलप हुई है ना डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस डेवलप हुई है। बट जैसे ही स्पर्म आता है, जैसे ही स्पर्म आया तो जिस साइड स्पर्म आया उस साइड सारे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन सारे पी ग्रैन्यूल वहां एक्युमुलेट हो गए। और जब वो एक्युमुलेट हुए तो उस साइड हमारी पोस्टीरियर साइड हो गई। पी ग्रैन्यूल्स पी फॉर पोस्टीरियर, सो उस साइड हमारी पोस्टीरियर साइड हो गई एंड उससे अपोजिट हमारी एंटीरियर साइड हो गई। सो यहाँ पे हमारी एक पोलैरिटी डेवलप हो गई एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड। पी ग्रैन्यूल्स का एक्युमुलेशन जिस साइड हुआ जहां स्पर्म आया एंड उसको हमने पोस्टीरियर साइड का, उससे अपोजिट को एंटीरियर साइड का। नाउ जो ये हमारा एग आया इसमें हमारा फर्स्ट क्लीवेज हुआ, इसमें ये हमारी एंटीरियर साइड थी, ये पोस्टीरियर साइड थी। इस एग में हमारा फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियनल एसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। एसिमेट्रिकल क्लीवेज क्यों? बिकॉज इसमें एक लार्ज ए बी सेल बनती है एंड स्मॉल पी वन सेल स्टेम सेल बनती है। लार्ज ए बी सेल फाउंडर सेल होती है एंड स्मॉल सेल पी वन सेल स्टेम सेल होती है। देन इस क्लीवेज के बाद सेकेंड क्लीवेज हुआ। सेकेंड क्लीवेज में अब जो फाउंडर सेल होगी वो तो सिमेट्रिकल क्लीवेज करेगी बट जो स्टेम सेल होगी वो हमारा एसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगी। फाउंडर सेल ने सिमेट्रिकल क्लीवेज किया और सिमिलर टू टाइप्स की सेल आई, ए बी ए ए बी पी। जो हमारी स्टेम सेल्स थी, स्टेम सेल्स ने एसिमेट्रिकल डिविजन किया, लार्ज ई एम एस सेल आई एंड स्मॉल पी टू सेल आई। सो मीन्स जो हमारी फाउंडर सेल होगी, फर्स्ट हमारा एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ फाउंडर सेल एंड स्टेम सेल, देन स्टेम सेल एसिमेट्रिकल डिवीजन करेगी एंड फाउंडर सेल सिमेट्रिकल डिवीजन करेगी। फाउंडर सेल से हमारी सेम टाइप की सिमिलर साइज की ए बी ए ए बी पी सेल आई बट स्टेम सेल से हमारी एसिमेट्रिकल साइज की एक ई एम एस सेल आई, लार्ज सेल एंड स्मॉल सेल पी टू सेल आई विच इज स्टेम सेल। क्या होता है, जिस साइड हमारा EMS आया, जिस साइड हमारा EMS आया उस साइड को वेंट्रल साइड बोला एंड जिस साइड हमारा ABP सेल आई उस साइड को डोर्सल साइड बोला। वो साइड डोर्सल साइड बन गई और जिस साइड हमारा EMS आया वो साइड वेंट्रल साइड बन गई। सो फर्स्ट जब स्पर्म की एंट्री हुई थी तो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर साइड डिसाइड हुई थी। सेकेंड क्लीवेज के बाद में हमारी डोर्सल एंड वेंट्रल भी डिसाइड हो जाती है। डोर्सल साइड कौन सी? जिस साइड हमारा एबीपी सेल आई। वेंट्रल साइड कौन सी? जिस साइड हमारी ईएमएस सेल आई। अब हमारे दो वर्ड आते हैं, कंडीशनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्या होता है। कंडीशनल डेवलपमेंट मींस वो डेवलपमेंट किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड है। ऑटोनोमस मींस वो ऑटोनोमस होगा, वो किसी कंडीशन पे किसी एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं है। मींस अब सी एलिगेंस में कौन सा होता है? सी एलिगेंस में बोथ होते हैं, कंडीशनल भी एंड ऑटोनोमस भी। कंडीशनल हमारा फाउंडर सेल में होता है एंड ऑटोनोमस हमारा स्टेम सेल में होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया, एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग स्टेम सेल को निकाल दिया गया, ओनली फाउंडर सेल को रखा गया।
सो फाउंडर सेल ने आगे डिवीजन नहीं करे, फाउंडर सेल ने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सीएलएस नहीं बनाया, बट जो स्टेम सेल्स थी उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी क्योंकि वो एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट करती है. सो स्टेम सेल्स में कैपेबिलिटी थी एंड स्टेम सेल्स ने फुल डेवलपमेंट किया सी एलिगेंस का अलोन. तो स्टेम सेल के डेवलपमेंट को ऑटोनोमस डेवलपमेंट बोलते हैं एंड फाउंडर सेल के डेवलपमेंट को कंडीशनल डेवलपमेंट बोलते हैं. बिकॉज जो फाउंडर सेल है वो डिपेंड है स्टेम सेल पे अपने डेवलपमेंट के लिए. फाउंडर सेल स्टेम सेल के साथ होगी जब भी तो फुल सी एलिगेंस बनाएगी. सो फाउंडर सेल डिपेंड है स्टेम सेल पे, बट स्टेम सेल किसी पे डिपेंड नहीं है. तो स्टेम सेल हमारा ऑटोनोमस डेवलपमेंट शो करती है एंड फाउंडर सेल हमारा कंडीशनल डेवलपमेंट शो करती है. ओके अब आता है हमारा कि जाइगोट था, जाइगोट से हमारा ए बी बना फर्स्ट डिवीजन से एसिमेट्रिकल डिवीजन एंड पी वन स्टेम सेल बनी. ए बी से हमारा ए बी ए बना, ए बी पी बना. ये सारे जो ए बी में क्लीवेज होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे. ए बी ए ए बी पी बने इक्वल साइज की. ए बी ए से भी ए बी ए एल ए बी ए आर बना. ए बी पी से भी ए बी पी एल पी आर बना. ए बी ए की जो सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस न्यूरॉन्स एंड फेरिंग्स बनाती हैं, और जो ए बी पी की सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स बनाती हैं. अब जो ए बी सेल है फाउंडर सेल वो क्या है, कंडीशनल डिपेंडेंट कंडीशनल डेवलपमेंट करती है. ये अपने फंक्शन के लिए इस पर डिपेंड है स्टेम सेल पे. अब ए बी पी जो है वो हमारा पी टू के क्लोज है, बट ए बी ए जो है वो पी टू के क्लोज नहीं है. सो ए बी पी ने हाइपोडर्मिस एंड न्यूरोन बनाया एंड ए बी ए ने हाइपोडर्मिस न्यूरोन फेरिंक्स बनाया. एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इफ इन दोनों की लोकेशन को चेंज कर दिया जाए ए बी ए की एंड ए बी पी की, तो ये अपना फेट भी रिवर्स कर देती है. मीन्स इफ ए बी ए पी टू के पास आ जाए तो हमारा वो क्या बनाएगी, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरोन बनाएगी, बस फेरिंक्स नहीं बनाएगी. तो मींस फाउंडर सेल अपने डिवीजन के लिए, अपने फेट के लिए, हर चीज के लिए किस पर डिपेंड है, स्टेम सेल पे डिपेंड है. बट ऐसा केस स्टेम सेल के साथ बिल्कुल नहीं है. स्टेम सेल फाउंडर सेल पे डिपेंड नहीं है. अब पी वन स्टेम सेल थी, स्टेम सेल में ऑलवेज एसिमेट्रिक डिवीजन होगा. पी वन स्टेम सेल ने ई एम एस बनाया एंड पी टू बनाया. ई एम एस ने एम एस एम ई बनाया जिससे मसल फेरिंग्स गोनेट्स आए एंड ई से इंटेस्टाइन आया. पी टू ने सी बनाया एसिमेट्रिकल डिवीजन करके एंड पी थ्री बनाया. सी से मसल हाइपोडर्मिस न्यूरॉन आए एंड पी थ्री से जर्म सेल्स आई. सो ये हमारा फेट थे सारे सेल्स. फाइनली हमारी आ गई जर्म सेल्स जो हमको चाहिए थी वल्वा डेवलपमेंट के लिए. हमारी क्या आ गई इस डेवलपमेंट से, जर्म सेल्स आ गई जो हमें चाहिए वल्वा डेवलपमेंट के लिए. अब स्टार्ट करते हैं वल्वा डेवलपमेंट सी एलिगेंस में. वल्वा डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमारा सी एलिगेंस है. सी एलिगेंस में ये सब जर्म सेल प्रेजेंट है. ये जर्म सेल एंड इनसे जस्ट वेंट्रल साइड में हाइपोडर्मिस सेल प्रेजेंट है. यहाँ पे P1 to P12 12 सेल्स प्रेजेंट है. ये जो 12 सेल्स हैं, आउट ऑफ दीज 12 सेल्स P3 to P8 6 सेल्स, P3 to P8 6 सेल को वी पी सी सेल बोलते हैं, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स. बिकॉज ये सेल्स में LET23 रिसेप्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वल्वा फॉर्मेशन के लिए. मीन्स ये 6 सेल वल्वा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मीन्स आउट ऑफ दीज 12 सेल्स ओनली ये 6 सेल्स P3, P4, P5, P6, P7, P8 ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वल्वा फॉर्मेशन के लिए. ये वल्वा फॉर्म कर सकती है, इसलिए इन्हें वल्वा प्रिकर्सर सेल बोला जिन पर रिसेप्टर था LET23 रिसेप्टर. अब क्या होता है, ये जो जर्म सेल्स हैं इन जर्म सेल्स में से कोई भी एक सेल एंकर सेल की तरह बिहेव करती है और सारी जर्म सेल रहती है. अब एक सेल क्यों एंकर सेल की तरह बिहेव करती है, बिकॉज उस पर लैग टू रिसेप्टर होता है. जिस पे लैग टू रिसेप्टर होगा वो एंकर सेल की तरह बिहेव करती है. जिस पे लिन 12 रिसेप्टर होते हैं वो सारी जर्म सेल्स की तरह बिहेव करती है. मींस हमारी आउट ऑफ दीज जर्म सेल्स वन सेल एंकर सेल की तरह बिहेव करेगी जिस पे लैग टू रिसेप्टर होगा, एंड अदर सेल्स जिन पे लिन 12 रिसेप्टर होगा वो जर्म सेल्स की तरह बिहेव करेंगी, वो एंकर सेल की तरह बिहेव नहीं करेंगी. सो हमारे पास यहाँ पे 3 रिसेप्टर हो गए, लैग 2 रिसेप्टर, लिन 12 रिसेप्टर, लैग 23 रिसेप्टर. अब हमारा क्या होता है, ये एंकर सेल जो है ये लिन 3 का प्रोडक्शन करती है, ये लिन 3 को सिक्रीट करती है. जब ये लिन 3 को सिक्रीट करती है तो जो सेल एंकर सेल से सबसे क्लोज होती है वो सबसे ज्यादा लिन 3 को रिसीव करेगी बाय द हेल्प ऑफ लैग 23. बाय द हेल्प ऑफ लैग 23 वो सेल सबसे ज्यादा लिन 3 को रिसीव करेगी.
जो सबसे ज्यादा लिम्फ 3 को रिसीव करती है वो प्राइमरी वल्वा बनाती है, वो प्राइमरी वल्वा बनाती है, देन उसके साइड वाली थोड़ा कम लिम्फ 3 को रिसीव करेगी, वो सेकेंडरी वल्वा बनाएंगी, एंड जो हमारी रिमेनिंग 3 सेल्स हैं वो लिम्फ 3 को बहुत कम रिसीव करेंगी, इसलिए वो टर्शरी सेल्स होंगी जो कि हाइपोडर्मिस बनाएंगी। मींस जो सबसे ज्यादा लिम्फ 3 को रिसीव करेगी दैट इज दैट फॉर्म प्राइमरी वल्वा, जो उससे कम रिसीव करेगी दो सेल्स हमारी सेकेंडरी वल्वा बनाएंगी, एंड जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो बहुत कम रिसीव करेंगी, वो नॉर्मल फेट फॉलो करेंगी दैट इज हाइपोडर्मिस, जो कि हमारी और जो सेल्स हैं रिमेनिंग 12 सेल्स थी उनमें से 6 सेल वल्वा पिकर सेल्स थी, 6 सेल को छोड़ के और सेल बची, 6 सेल्स और वो सब क्या बनाती हैं, वो सब हमारी हाइपोडर्मिस बनाती हैं। सो जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी बन जाएगी उनके अलावा जो वीपीसी कम लेंथ 3 को रिसीव करेगी वो हमारी हाइपोडर्मिस फेट ही लेती है, वो वल्वा फॉर्म नहीं करती। अब एक हमारा क्वेश्चन आता है कि जो सेकेंडरी वल्वा है, सेकेंडरी वल्वा फॉर्म हो रहा है, उन्हें प्राइमरी क्यों नहीं बनाया, उन्हें रिसीव हुआ लेंथ 3 अच्छे अमाउंट में, स्टिल उन्होंने प्राइमरी वल्वा क्यों नहीं बनाया? बिकॉज जब भी प्राइमरी वल्वा फॉर्म होता है तो वो इनिबिट कर देता है सेकेंडरी सेल्स को कि वो प्राइमरी वल्वा बनाए, वो सेकेंडरी सेल्स को जो सेकेंडरी वल्वा बना रही है उनको इनिबिशन सिग्नल देता है कि वो प्राइमरी वल्वा ना बनाए। वो इनिबिशन सिग्नल कैसे देता है, प्राइमरी सेल्स में जब भी सिग्नल आया लिन 3 का तो उसमें डीएसएल एक्टिवेट हुआ और लिन 12 इनिबिट हो गया। लिन 12 के इनिबिट होने का मतलब है अब वो सेकेंडरी कभी बन ही नहीं सकती, डीएसएल नेबर सेल में गया और लिन 12 को एक्टिव रहने दिया जिसकी वजह से वो सेकेंडरी बन गई। एक बार लिन 12 इनएक्टिव हो जाता है तो सेकेंडरी वल्वा नहीं बनता, और एक बार लिन 12 इनमें इनएक्टिव हो गया तो इनमें सेकेंडरी तो बन नहीं पाया, इनमें लिन 12 एक्टिव रहा तो ये सेकेंडरी बन गई। अब ये सेकेंडरी बन गई तो ये खुद ही अपनी प्राइमरी फंक्शन को स्टॉप कर देंगी और सेकेंडरी रहेंगी। तो इस तरीके से जो हमारा प्राइमरी, जो हमारी सेल प्राइमरी वल्वा बनाती है वो खुद तो प्राइमरी वल्वा बना ही रही है, वो नेबर सेल को सप्रेस करती है, रोकती है कि वो प्राइमरी वल्वा ना बनाए। इफ ये सिग्नल रुक गया, प्राइमरी ने नेबर सेल्स को नहीं रोका प्राइमरी बनाने से, तो मल्टी वल्वा कंडीशन डेवलप हो जाएगी, तो हमारा ये एक डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा दैट इज मल्टी वल्वा सीएलएस। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, केसेस आते हैं कि इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वल्वा फॉर्मेशन होगा, नहीं, इफ एंकर सेल डिस्ट्रॉय हो गई तो वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है इफ हमारी प्राइमरी सेल, ये जो P6 सेल है, ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो वल्वा फॉर्मेशन होगा, हाँ। अब जो हमारी सेकेंडरी वल्वा बना रही थी वो हमारी क्या बनाएंगी, अब वो प्राइमरी वल्वा बनाएंगी। एक पॉइंट आता है इफ P3 सेल जो टर्शरी वल्वा बना के हाइपोडर्मिस का फेट ले रही थी, इफ वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो वल्वा फॉर्मेशन होगा, हाँ होगा। इफ हमारी इन 6 सेल्स में से कोई भी सेल प्रेजेंट है एंड एंकर सेल प्रेजेंट है तो ऑलवेज वल्वा फॉर्मेशन होगा। इफ सारी भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लास्ट की P3 P8 भी रिमेनिंग रहेंगी तो भी सबसे ज्यादा ये रिसीव करेंगी किसको, LIN 3 को, और इनसे वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हाइपोडर्मिस में नहीं जाएंगी। एक केस आता है इफ एंकर सेल की पोजीशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, इफ एंकर सेल की पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाए तो वल्वा फॉर्मेशन कहाँ होगा, वल्वा फॉर्मेशन ऑलवेज वही होगा जहां मैक्सिमम लिन 3 होगा। इफ एंकर सेल की पोजीशन चेंज हो जाती है तो P4 से वल्वा फॉर्मेशन होगा, बट वल्वा फॉर्मेशन ऑलवेज वही वीपीसी करेंगी जिनको लिन 3 सबसे ज्यादा रिसीव होगा। सो ये हमारे केसेस थे एंड वल्वा डेवलपमेंट था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।